सद्गुरु एकात्म ज्ञानी गुरु, योगी और दिव्य दर्शी हैं। उनके कार्य उनके परमानंद की बौछार हैं, जो सभी की मदद के लिए असीम करुणा, प्रेम और निरंतर भेंट के रूप में व्यक्त होते हैं। सद्गुरु का संबंध किसी खास परंपरा से नहीं है। वे आध्यात्मिक विज्ञान के उन सभी तत्वों का मेल प्रस्तुत करते हैं जो आधुनिक साधकों के लिए सबसे ज्यादा कारगर हैं। उनके सार्वजनिक सत्संगों और कार्यक्रमों में जीवन के सभी क्षेत्रों से लाखों लोग शामिल होते हैं। हर शहर में एक विशाल आध्यात्मिक लहर पैदा करने वाले ये कार्यक्रम लोगों को सेहत, आंतरिक विकास और सफलता के सभी पहलुओं को सुधारने के उपकरण भेंट करते हैं। सद्गुरु उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं जिनमें जानने की इच्छा है। उनका जीवन व्यक्तिगत रूपांतरण के माध्यम से ईश्वर को आमंत्रण है। सद्गुरु द्वारा स्थापित ईशा फाउंडेशन एक अंतरराष्ट्रीय लाभ रहित संगठन है जो पूरी तरह से स्वयं सेवकों द्वारा चलाया जाता है। फाउंडेशन की मुख्य गतिविधियों में सबसे प्रमुख है इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम, जिसमें खुशहाली की तकनीकें भेंट की जाती हैं। ये कार्यक्रम योग विज्ञान के शक्तिशाली साधनों के जरिए व्यक्ति के शरीर, मन और ऊर्जा का रूपांतरण करके उसे अपनी परम संभावना तक पहुंचाने में मदद करता है। ईशा फाउंडेशन का मुख्यालय है ईशा योग केंद्र, जो वेलियंगिरी पहाड़ियों की तलहटी में कोयंबटूर तमिलनाडु में स्थित है। सद्गुरु ने ईशा योग केंद्र को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थान के रूप में बनाया है, जहां योग के सभी पहलुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यह एक आत्मज्ञानी योगी के मार्गदर्शन में अपने अंतरतम की यात्रा करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। ईशा योग केंद्र की मुख्य विशेषता ध्यान लिंग है। ध्यान के उद्देश्य से बनाया गया यह शक्तिशाली स्थान किसी खास विश्वास प्रणाली या धर्म से नहीं जुड़ा है। ध्यान लिंग के आभा मंडल में सिर्फ मौन होकर बैठने से ही ध्यान से अनजान लोग भी ध्यान की गहरी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं और उस ध्यान ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं जो इस भव्य रूप से प्रवाहित होती रहती है। केंद्र के दूसरे प्राण प्रतिष्ठित स्थान आंतरिक खोज के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। यहाँ ईशा हठ योग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो पारंपरिक योग को वापस लाने की कोशिश है। एकता, प्रेम और लोगों तक पहुंचने और उन्हें मदद करने की प्रबल भावना से प्रेरित होकर बहुत सी आउटरीच परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक्शन फॉर रूरल रिजुविनेशन एक ग्रामीण पुनरुत्थान कार्यक्रम है, जिसमें हजारों गांवों को चिकित्सा शिविर, सामुदायिक पुनर्वास और मानव उत्थान के लिए मदद दी जाती है। सामुदायिक आनंद को बढ़ाने के लिए ग्रामीण खेल और गांवों के बीच टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोगों में नशे की लत कम होती है और जाति, वर्ग, धर्म तथा आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर सामाजिक मेल बढ़ता है। प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स पेड़ लगाने का एक व्यापक जन आंदोलन है, जिसका लक्ष्य तमिलनाडु में 33% हरित आवरण को बहाल करने के लिए 11 करोड़ 40 लाख पेड़ लगाना है, ताकि तेजी से बढ़ती बंजर जमीन और वनों की कटाई को रोका और पलटा जा सके। इस परियोजना को बहुत से पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तमिलनाडु से शुरुआत करके प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स दुनिया भर के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता है, ताकि वे धरती को भावी पीढ़ी के लिए रहने योग्य बनाए रखें। ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को बदलने के उद्देश्य से ईशा विद्या ग्रामीण बच्चों की सहज बुद्धि को विकसित करने के लिए सस्ती और उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चलने वाले ईशा विद्या के स्कूलों में बच्चों की सांस्कृतिक और स्थानीय पहचानों को सुरक्षित रखते हुए अंग्रेजी भाषी और कंप्यूटर जानने वाले युवाओं को तैयार किया जा रहा है, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी हो सके।
गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम के जरिए ईशा फाउंडेशन अपने संसाधनों और पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बना रही है, जिससे कि सरकारी स्कूलों में जाने वाले हजारों बच्चों को फायदा हो सके। ईशा होम स्कूल सद्गुरु के पुराने सपने का साकार रूप है। ईशा होम स्कूल का लक्ष्य घर जैसे वातावरण में उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करना है। एक ऐसा वातावरण जिसमें ये सुनिश्चित किया जा सके कि मनोरंजन और रोमांच शिक्षा से जुड़े रहें। ईशा संस्कृति बच्चे के संपूर्ण विकास को समर्पित शिक्षा प्रणाली है, जो उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। ईशा संस्कृति प्राचीन भारतीय योगिक प्रणाली और विज्ञान पर आधारित है, जहां योग अभ्यासों, भारतीय शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट्स के अनूठे मिश्रण के माध्यम से बच्चों के शरीर और मन में संतुलन और स्थिरता लाई जाती है। इनसाइट द DNA ऑफ सक्सेस एक अनूठा और जबरदस्त बिजनेस लीडरशिप कार्यक्रम है, जो व्यावसायिक और निजी सशक्तिकरण के साधन भेंट करता है। यह कार्यक्रम सद्गुरु द्वारा बेहद प्रेरित और समर्पित उद्यमियों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, जहां प्रतिभागियों को विश्व स्तरीय संगठनों को बनाने और विकसित करने वाले कामयाब उद्योगपतियों का मार्गदर्शन मिलता है। इनसाइट प्रोग्राम में उद्योगपतियों को बाहरी स्थिति और आंतरिक विकास दोनों को संभालने के जरूरी साधन प्रदान किए जाते हैं। सद्गुरु शांति, विश्व स्तरीय समझ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के श्रेष्ठ नेताओं और संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लोगों को संबोधित किया है और विभिन्न समूहों और संस्थाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो लोगों के अंदर बाहरी परिस्थितियों को कारगर तरीके से संभालने के लिए भीतरी संतुलन लाते हैं।